नमस्कार मित्रों, श्री मंदिर के इस दैनिक राशि भविष्य के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि हम मेहनत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ में जो भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए, जिसके कारण आपकी मेहनत को सफलता मिलती है, वो न मिलने का कारण क्या होता है, यानी भाग्य का सहयोग ना मिलने के कारण क्या होते हैं, उसके योग क्या होते हैं। बहुत सारे योग हैं यहाँ पर, उसमें से एक योग मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको पत्रिका दिखाता हूँ, ये पुरुष व्यक्ति की पत्रिका है, आप देख रहे हो, 7 नंबर यानी प्रथम स्थान में 7 नंबर यानी तुला राशि है, तुला लग्न में इनका जन्म हुआ था। चंद्र राशि इनकी जो है मकर राशि है, और ये जो यहाँ पर 3 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 नंबर उनका 9वां स्थान यानी भाग्य स्थान है पत्रिका का। 3 नंबर मिथुन राशि का नंबर है, और जन्म के समय पर वहाँ पर मंगल और शुक्र बैठे हुए थे। मंगल शुक्र का वैसे योग अलग योग है, वो भाग्यस्थान में बैठा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो भाग्यस्थान का मालिक बुध है, मिथुन राशि का मालिक बुध होता है, वो बुध जो है वो आप देखोगे यहाँ पर 6 नंबर में बैठा हुआ है राहु के साथ में। 6 नंबर कन्या राशि है, बुध की खुद की राशि है, खुद की राशि में बलवान होकर बैठा हुआ है, लेकिन 12वें स्थान में है जो नुकसान का स्थान है और असफलता का स्थान है, और साथ में राहु के साथ में बैठ गया है। तो इसकी वजह से ये जो व्यक्ति हैं उनको भी जब भी हमारे पास प्रश्न लेकर आए तो उनका यही प्रश्न था कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे कहीं ना कहीं पर असफलता हाथ लगती है। तो उसका कारण यही है कि उनकी पत्रिका में जो भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए था, भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिल रहा था। इनको हमने गणेश जी का और शिव जी का एक प्रयोग बताया, जिनके कारण आज शिव जी की और गणेश जी की कृपा से आज उनको जो तीव्रता से उनको असफलता मिल रही थी वो तीव्रता में कमी आई है, बहुत सारे कामों में उनको सफलता मिलने लगी है। धीरे धीरे ये योग उनका बहुत ही उनकी जो तीव्रता है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो मित्रों, आपको भी अगर जानना है कि आप भी जो मेहनत करते हैं उसमें आपको भाग्य का सहयोग मिलता है या नहीं, और ऐसा कोई योग है जिसके कारण भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, ये सभी चीज़ें अगर आपको भी जाननी है तो आपके स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर में आप हमारी आपका जन्म तारीख, जन्म समय, जन्मस्थल हमें दीजिए, हम आपकी पत्रिका बना के आपको बताएंगे कि आपकी पत्रिका में ऐसा कोई योग है, अगर है तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए, तो जिसके कारण आपको भी भाग्य का सहयोग मिले और आपको भी जो काम में असफलताएं मिलती हैं वो असफलताएं कम हो जाएं। आइए चलते हैं आज की मुख्य चर्चा के ऊपर। आज के दैनिक राशि भविष्य के वीडियो में हम लोग जानेंगे दिनांक 14 अगस्त 2021 शनिवार का दिन किस राशि को कैसा जाएगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि को आज कार्यक्षेत्र में जो उनकी खुद की एक क्रिएटिविटी है, जो उनका खुद का जो एक दिमाग है जिसमें रचनात्मक कुछ ना कुछ वो खोज करते रहते हैं, वैसी कोई खोज के कारण आपको आज अलग प्रशंसा और पहचान मिलने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की सोच आती है तो उसको सोच बनाकर ही रखिएगा, अगर उसको आप प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप से व्यवसाय में अगर आप अमल करने जाएंगे तो वो आपको महंगा पड़ सकता है। हो सके तब तक ऐसी कैसी भी परिस्थिति में आपकी जो सोच है उसको आपके किसी जो आपके कार्यक्षेत्र के मित्र रहेंगे उनके साथ में पहले शेयर कीजिए, उनकी भी उनका भी उनके ऊपर मंतव्य लीजिए, और बाद में आपका जो भी निर्णय है उसका अमल कीजिएगा ताकि आपको नुकसान होने के संभावनाएं कम हो जाएं। पारिवारिक जीवन में आपके जो प्रियजन हैं उनका प्यार और देखभाल आज आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण करेगा, एक नई उत्सुकता आपकी जगाएगा और पारिवारिक जीवन आपका काफ़ी खुशनुमा रहेगा। सेहत के अंदर शरीर की अंदर की गर्मी बढ़ने से शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है उसके स्तर के बढ़ने से आपको मानसिक व्यग्रता महसूस होने की संभावनाएं बनती हैं, थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। चलते हैं वृषभ राशि वालों की ओर। वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज अपनी योजनाओं को अमल करने के लिए जो भी योजना बनाई है उसके ऊपर अमल करने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा, अमल करने के लिए आपको थोड़ा समय लेना पड़ेगा, और उसके ऊपर सोच विचार करने के बाद में उसका अमल कीजिएगा ताकि आपको उसमें सफलता मिले। बिना अगर सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी योजना का अमल किया तो वो आगे आने वाले भविष्य में
आपको आपके कार्य क्षेत्र में नुकसानदायक हो सकता है। पारिवारिक जीवन में आज के जो हालात हैं वो काफ़ी खुशहाल रहेंगे, काफ़ी प्रसन्नता भरे रहेंगे, तो उसमें कहीं पर भी आपको चिंताजनक बात नहीं है। स्वास्थ्य भी आज आपका सामान्यतः अच्छा दिखाई दे रहा है। चलते हैं मिथुन राशि वालों की ओर। मिथुन राशि वालों को आज जो भी आपका पिछले समय से जो किसी भी कारण के तहत कोई काम आपका रुका हुआ है तो उसको पूरा करने में आज आपको सहयोग मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करेंगे जिसके कारण आपका वो रुका हुआ काम बहुत ही जल्द नियत समय में पूरा हो जाएगा। लेकिन आज के दिन में किसी के भी साथ आपका जो भी व्यावसायिक क्षेत्र है, भले ही नौकरी पेशा हो, व्यापारी वर्ग हो, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर किसी के भी साथ में वाद विवाद करने से आज दूर रहें। अन्यथा विवाद अगर खड़ा हुआ तो वो आपके लिए मानसिक व्यग्रता लेके आने की संभावनाएं बनती हैं। पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों की राय आज आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकती है, तो किसी भी सदस्य की राय को, उनके मंतव्य को आज नज़रअंदाज ना करें। सेहत के अंदर ज़्यादा खाने पीने के समय में बदलाव ना करें और जो भी आप आज काम करने वाले हो उसमें ज़्यादा सोच विचार करते हुए ये देखें कि आपका सोच विचार करने के बाद में आपका खाने का जो समय है उसमें बदलाव नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अगर बदलाव हुआ तो हो सकता है कि आज आपको एसिडिटी या तो पेट में जलन महसूस करने की संभावनाएं बनती हैं। चलते हैं कर्क राशि वालों की ओर। कर्क राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज के दिन में व्यावसायिक आपका जो सराउंडिंग है, व्यावसायिक आपका परिवेश है, उसमें आप जो भी काम करते हो उसके लिए आज आप प्रशंसा के पात्र बनोगे। आज आपको प्रशंसा मिलने की संभावना है, सराहना मिलने की संभावना है, एक अलग सी आइडेंटिटी आपकी बनेगी, एक अलग सी नामना आपकी बनेगी जिससे आपको मानसिक तौर पर बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो सकती है। आर्थिक पक्ष भी इसके कारण आपका आज मजबूत होने की संभावनाएं बनती हैं। घर में आज पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत ही खुशियों भरा माहौल रहेगा जिसके कारण वहाँ पे भी आपको मानसिक प्रसन्नता महसूस होगी। स्वास्थ्य भी आज सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कोई महत्वपूर्ण चिंताजनक घटना होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलते हैं सिंह राशि वालों की ओर। सिंह राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज आप कोई अगर नया काम करने के लिए सोच रहे हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आज के दिन में आपके दिमाग में कोई नए काम करने की सोच आए, तो उसमें कोई भी ज़्यादा दूसरे की राय लेने मत जाइएगा, वो चीज़ के ऊपर अमल कीजिएगा, क्योंकि वो जो नई सोच है वो आपको आज काम में सफलता दिलाएगी। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें सफलता के नए शिखर सर करने के लिए आज के दिन में आप योजना बना सकते हैं। वो योजना आपको आगे आने वाले समय में आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता दिलाएगी। पारिवारिक जीवन में किसी शुभ प्रसंग के आयोजन के चलते, या तो किसी धार्मिक प्रसंग के आयोजन के चलते जो घर का घर परिवार का माहौल है वो खुशनुमा भरा रहेगा, बहुत ही खुशियों भरा रहेगा। सेहत के अंदर आज गले के संबंधित किसी भी प्रकार की एलर्जी होने की संभावनाएं हैं, हो सके तब तक खाने पीने में ध्यान रखिएगा, और अगर गले में इन्फेक्शन या तो एलर्जी जैसी कोई भी लक्षण आपको महसूस होते हैं तो उसके प्रति लापरवाह ना रहें, अन्यथा आपकी जो परेशानी है वो लंबे समय तक चलने के आसार दिख रहे हैं। चलते हैं कन्या राशि वालों की ओर। कन्या राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज सफलता जो है वो आपके कदम चूमेगी। आज आप सफलता के शिखर पर बहुत ही आराम से पहुंच सकते हो, बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। आप अगर मनोरंजन या तो संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज के दिन में आपके लिए कुछ नए अवसर आपको जो प्राप्त होंगे वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक और फायदेमंद साबित होंगे। आज व्यावसायिक जो भी रिश्ते हैं उसको भी आज मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है, तो जिनको व्यावसायिक रास्ते रिश्ते जो होते हैं वो व्यावसायिक रिश्ते अगर आपको मजबूत बनाने हैं तो उस तरफ पे आज कदम बढ़ाने के लिए आप सोचिएगा। घर परिवार में हो सकता है कि अचानक से कोई अतिथि आ जाए जिसके कारण आज आपका जो घर पारिवारिक जीवन है वो थोड़ा व्यस्तता वाला होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से हो सके उतना पानी ज़्यादा पीजिएगा, अन्यथा पानी की कमी होने के कारण जो भी शारीरिक तकलीफें होती हैं उससे आज आपको ग्रस्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। चलते हैं तुला राशि वालों की ओर। तुला राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज जो लंबे समय से, क्योंकि आपके ग्रहों की परिस्थितियां तुला राशि के हिसाब से ऐसी चल रही हैं और खास करके जो तुला राशि को अष्टम स्थान से राहु चल रहा है
उसकी वजह से जो पिछले समझ लीजिए से 1.25 साल से जो दिमाग में कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भ्रमित करने वाले ख्याल आते होंगे, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए, उसमें से कोई रास्ता अच्छा ढूंढने के लिए आज आपको कोई बड़े बुजुर्ग या तो आपके जो कार्य क्षेत्र हैं उससे कोई अनुभवी व्यक्ति की आज आपको राय मिलेगी, उनका मंतव्य मिलेगा, जिसके कारण आज आप अपने मति भ्रम करने वाले ख्यालों से बाहर निकल सकते हो। पारिवारिक जीवन में आज किसी के साथ में अगर आपसे गलत वर्ताव हो गया है या तो गलत वर्ताव जाने अनजाने आप कर रहे हो, तो उसके लिए क्षमा मांगने के लिए अच्छे संयोग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको जो मानसिक तनाव ग्रस्त किसी भी समस्या से आप जूझ रहे थे उसमें से बाहर निकलने के लिए आज काफ़ी अच्छा संयोग बन रहा है। ऐसा हो सकता है कि आज आपको आपकी मानसिक परेशानी से संबंधित शिकायतों से बाहर निकलने के लिए नए रास्ते मिले, नए संबंध कोई ऐसे बने जिससे आप उसमें से छुटकारा पाओगे। चलते हैं वृश्चिक राशि वालों की ओर। वृश्चिक राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज के दिन में पुराने लेन देन के संबंधित किसी विवाद की स्थिति बन सकती है, हो सके तब तक आर्थिक परिस्थिति को लेकर किसी के भी साथ में बहसबाजी में ना उतरें। वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही खुशियों भरा रहेगा, जिसके कारण आपको मानसिक प्रसन्नता महसूस होगी, और साथ में जो पारिवारिक समस्याएं कुछ आपकी चल रही हैं वो पारिवारिक समस्याओं में से आज आपको बाहर निकलने के लिए कुछ साधन मिलेंगे, जिससे आपकी पारिवारिक गुत्थियां जो हैं वो सुलझने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उसके भी कारण आपका पारिवारिक माहौल आज बहुत ही प्रसन्नता भरा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको आपके स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, हो सके तब तक बाहर का कोई भी जंक फूड ना खाएं। चलते हैं धनुराशि वालों की ओर। धनुराशि वालों को आज व्यावसायिक क्षेत्र में जो भी व्यावसायिक आपके कार्य क्षेत्र हैं उसमें संबंधित मामले में आज आपके मन में कुछ नए विचार आएंगे, और उसमें नए विचार में आप अगर कोई मित्र हैं, आपके मित्र जो हैं या तो आपके कार्य क्षेत्र के कोई बुजुर्ग हैं उनकी अगर आप सलाह लेंगे तो आपके जो विचार हैं उसको अमल करने में आपको रुकावटें नहीं आएंगी, और उससे आपको सफलता भी मिल सकती है, फायदा भी मिल सकता है, आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। पारिवारिक दृष्टि से आज वातावरण बहुत ही खुशहाली भरा रहेगा, पारिवारिक वातावरण में कोई चिंताजनक घटना होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। संतान संबंधित भी आज कोई आपको शुभ समाचार मिल सकता है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से आज स्वास्थ्य आपका काफी हद तक अच्छा दिखाई दे रहा है। चलते हैं मकर राशि वालों की ओर। मकर राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी व्यक्ति से मिले, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित ही कोई ऐसी व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात हो जो आपके आने वाले भविष्य में कार्य क्षेत्र में आपको काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। उनके साथ में जो आपका संबंध रहेगा वो आपके कार्य क्षेत्र को विकसित करने में आपको मदद रूप बनेगा। पारिवारिक जीवन आज काफी सहयोगी महसूस होगा, और स्वास्थ्य की दृष्टि से आज श्वसन क्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी होती है तो उसके प्रति लापरवाह ना रहें। चलते हैं कुंभ राशि वालों की ओर। कुंभ राशि वालों को आज कार्य क्षेत्र में आपके जो भी कार्य क्षेत्र है आपका उसमें ज्यादा नए कार्य करने में आपको रुचि होगी। ऐसा हो सकता है कि जो रोजाना कार्य चल रहे हैं उसमें आप ज्यादा रुचि ना दिखाएं, ज्यादा इंटरेस्ट ना लें, कुछ नया सीखने के लिए आप प्रयत्न करेंगे, और वो नया सीखने के लिए प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, और उसके कारण आपका जो काम है वो काम जो पुराने काम है वो भी आपके समय से पूरे होंगे। साथ में ही आपकी जो भी मेहनत रहेगी वो मेहनत का भी फल आपको आज अवश्य मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलता हुआ आज आपको पूरा दिखाई दे रहा है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा, और स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप खुद को मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे बहुत ही सेहतमंद महसूस करोगे। चलते हैं मीन राशि वालों की ओर। मीन राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज आत्मविश्वास बढ़ाने वाला दिन रहेगा, खास करके आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं या तो कोई सरकारी अधिकारी हैं उनसे आज आपको प्रसन्नता मिल सकती है, प्रशंसा के साथ में आपको ज़्यादा कुछ पदोन्नति भी मिल सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक आपकी खुशियाँ जो हैं वो बहुत ही बढ़ेगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। साथ में एक साथियों के साथ में कोई आपके जो सहकर्मी रहेंगे जो आपके साथ में काम करने वाले हैं वो साथियों के साथ में कुछ बाहर लंबी यात्रा पे जाने का कुछ प्लानिंग भी आप बना सकते हो, कुछ योजना भी बना सकते हो। पारिवारिक जीवन में आज घर के सभी सदस्यों के साथ में मिलकर आप जितना हो सके उतना ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करोगे, उतना प्रयत्न करोगे, इसके कारण आपका पारिवारिक माहौल भी काफी खुशनुमा रहेगा। सेहत की दृष्टि से थोड़ा उतार चढ़ाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, सतर्कता बरतिएगा। तो मित्रों, ये थी दिनांक 14 अगस्त 2021 शनिवार के दिन की दैनिक राशि भविष्य की जानकारी।
ज्यादा राशि भविष्य की जानकारी आपको चाहिए तो आप श्रीमंदिर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे श्रीमंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे समय समय पर जो गतिविधियां होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, ऐसे ही दैनिक राशि भविष्य की जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा कल इसी समय। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका और आपके परिवारजनों का जीवन सेहतमंद रहे। आप सभी लोग खुशहाल रहो। नमस्कार, धन्यवाद।